नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। यूपी के बुलंदशहर नगर में धर्मांतरण का दूसरा मामला मनगढ़ंत निकला। आज पुलिस ने अविनाश को मीडिया के सामने पेश किया। मीडिया की मौजूदगी में अविनाश ने षड्यंत्र की परत दर परत खोलते हुए कहा कि उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसकी 8 बीघा जमीन को उसका ताऊ हड़पना चाहता है, इसीलिए धर्मांतरण जैसी अफवाह को हवा दी जा रही। कुर्ता पजामा वाली फोटो पर अविनाश ने कहा कि वह मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में रहता है, इसीलिए उसका पहनावा मुस्लिमों जैसा ही है। बुलंदशहर के खुर्जा में कल नवीन उर्फ नावेद के धर्मांतरण का मामला भी गरमाया था, जबकि उसी दौरान अविनाश का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराए जाने का दावा भी सामने आया था। अविनाश ने मीडिया से कहा कि वह हिंदू धर्म में रहना चाहता है और वह हिंदू ही है। धर्मांतरण का मैंने प्रयास नहीं किया और ना ही धर्मांतरण के दावे में सच्चाई है। बकौल अविनाश, सच यह है कि यह सारा विवाद 8 बीघा जमीन को लेकर है। अविनाश ने बताया कि हम 2 भाई हैं, एक भाई शराब का आदी है, दूसरा मैं हूँ। अविनाश ने अपने ताऊ पर आरोप लगाया कि उसका चाचा उनकी 8 बीघा जमीन हथियाना चाहता है। इसीलिए धर्मांतरण को हवा दी गई। वहीं SSP बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने भी दावा किया कि धर्मांतरण के दावे के पीछे क्या षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनकी जांच की जा रही है। बकौल SSP, धर्मांतरण का आरोप पूरी तरह से झूठा है, विवाद जमीन को लेकर है। फिलहाल अविनाश ने जो शिकायत की है उसके आधार पर उसके ताऊ के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिए गए हैं। बुलंदशहर से इफ्रा अहमद की रिपोर्ट। सर, पुलिस लड़के को पकड़ के लाई है, क्या सर ये मामला? देखिए, कल से ही एक प्रकरण सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ चैनलों पे प्रसारित किया जा रहा था कि अविनाश नाम के लड़के ने धर्मांतरण कर लिया। जानकारी की गई तो पता चला कि वो जालंधर में अपनी रिश्तेदारी में है, वहाँ से हमारी पुलिस टीम उसको लेके आई है। इस संबंध में उसके ताऊ के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस लड़के के जब बयान लिए गए, पूछताछ की गई, तो पूरी तरह से संपूर्ण घटना को नकार रहा है। इसका कहना है कि किसी भी रूप में न तो इसका धर्मांतरण हुआ है, न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है, न तो किसी ने इसको प्रेरित किया है। इसके आरोप ये हैं कि इसके माता पिता दोनों मर गए हैं, इसका ताऊ इसकी संपत्ति जमीन जो पैतृक है उसे कब्जा करना चाहता है, और कुछ ऐसे अराजक तत्वों के संपर्क में है कि जब ये ताऊ के उत्पीड़न से तंग होकर के कहीं चला जाता है तो वो लोग एक कहानी गढ़ करके कि धर्मांतरण कर लिया है और प्रचारित करते हैं। और इसका ये कहना है कि विशुद्ध रूप से इसकी संपत्ति कब्जा करने के उद्देश्य से इस तरह की अफवाह इसके ताऊ और उनके करीबी लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। फिलहाल हम इसका न्यायालय में 164 का बयान कराएंगे और पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक जाँच भी करा रहे हैं। अगर धर्मांतरण से संबंधित कोई मामला है, लोभ दे करके या अन्य किसी तरीके से, तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब तक की जो छानबीन है उसके आधार पर प्रकरण किसी भी रूप में धर्मांतरित या धर्मांतरण से संबंधित नहीं आया। सर, धर्मांतरण से संबंधित जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, इसका 164 का बयान करा लेने के बाद उसमें जो भी वैधानिक और उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या किसी संगठन के लोग इसको हवा दे रहे हैं? नहीं, ये इसका ताऊ जो है वो किसी संगठन के लोगों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के द्वारा बार बार इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। 1 माह पहले भी प्रकरण आया था, उस समय भी इस लड़के को लाया गया था, तत्समय भी इस लड़के ने पूरी तरह से डिनाई किया था। और कल फिर जब ये अपने घर से भाग करके रिश्तेदारी में जालंधर चला गया तो पुनः ये अफवाह फैलाई गई। इसकी एक फ़ोटो जिसमें मुस्लिम कल्चर का कुर्ता पाजामा पहने हुए इसे दिखाया गया है, उसके संबंध में पूछने किसने बताया कि चूंकि मुस्लिम मोहल्ले में बचपन से रहता आया है तो उस तरह के कुर्ते बचपन से और पायजामा पहनता रहा। एक तरह की ये सर षड्यंत्र था, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। अब हम जांच इसकी करा रहे हैं, विवेचना हो रही है। 164 के बयान के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। क्या नाम है? अविनाश, क्या मामला था? कल आपके परिवार वालों ने कहा था कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो क्या सत्यता है उसमें? जब ये सर ये सब झूठ है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा। मैं हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, और ना मैंने पहले धर्म परिवर्तन करा था, ना मैंने अब करा,
और जो मैं वाल्मीकि जात है, मैं अपने मतलब हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगा, कोई मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। जो मेरा ताऊ है वो मुझे मारता पीटता, वो हमका आठवीं के जमीन है तो मारपीट के जमीन के चक्कर में भगा देता वो हमें। अच्छा, बड़ी वाली बहन के साथ उसने मारपीट करी थी, उसने कोर्ट मैरिज करी है रघुपुरा में, और जो मतलब उसका भाई है रमेश, वो अपने भाई की जमीन बेच कर खा गया, वो अपने भाई की जमीन बेच कर खा गया। और जो मेरा भाई है वो नशेड़ी है, दोनों के खिलाफ है, 100-200 रुपये दे रखा है भाई को, वो क्या था। आप पे एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आप कुर्ता पजामा पहने दिख रहे हैं, वो कब का फोटो है, क्या सच्चाई है? वो सच्चाई ये है, मैं जो है बचपन से ही कुर्ता पजामा पहनता हुआ आया हूँ, तो उसमें मेरा ताऊ कहता है जमीन के बारे में कि इसने धर्म परिवर्तन करा, पर मैंने धर्म परिवर्तन नहीं करा। जो मेरा ताऊ कहता है धर्म परिवर्तन के बारे में, वो सब जमीन का लालच है, उसे मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।